में सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी फिर भरेंगे होकर, 11 और 12 अप्रैल को पीएम का प्रदेश का दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को करौली आएंगे और विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी बाड़मेर आएंगे, आदर्श स्टेडियम में 11:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे दौसा नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सोमनाथ चौराहे के गुप्तेश्वर दरवाजा तक यहाँ पर रोड शो होना है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करेंगे, राजस्थान के प्रवास पर एक बार फिर रहने वाले हैं और दौसा पहुंचेंगे दोपहर 3 बजे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि फिर एक बार चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सोमनाथ चौराहा से गुप्तेश्वर दरवाजा तक रोड शो जो है प्रधानमंत्री का रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी राजस्थान के 2 बार के प्रवास पर रह चुके हैं, जहां पर अपनी रैलियों के माध्यम से, अपनी जनसभा के माध्यम से आम जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, 25 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विजन रखा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 सीटें गई है, लेकिन इस बार अधिक मार्जिन से ये सीटें जीती जाएंगी, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम राजस्थान में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता राजस्थान की धरती पर, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देखिए जनसभा को संबोधित करते हैं तो विपक्ष पर तो जम करके प्रहार करते ही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको भी आम जनता तक पहुंचाते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का यह पूरा मामला है। एसीबी ने निजी हॉस्पिटल के सर्जन, डॉक्टर और असिस्टेंट से पूछताछ की है। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग के सर्जन और असिस्टेंट से एसीबी टीम ने काफी देर तक पूछताछ की है। एसीबी ने डॉक्टर और उसके सहायक के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का यह पूरा मामला है। एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। अब तक इस पूरे मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अभी भी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। निजी हॉस्पिटल के सर्जन, डॉक्टर और असिस्टेंट से अब पूछताछ की गई है। दरअसल आपको बता दें, सर्जन और असिस्टेंट से एसीबी टीम ने पूछताछ की है काफी देर तक, जिसमें तमाम सवाल जो है वो पूछे गए हैं और डॉक्टर और उसके सहायक के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि मोबाइल फोन के माध्यम से भी कई सारी जानकारियां जो है वो एसीबी को मिल सकती है। इस बात की एसीबी ने आशंका जताई हुई है, क्योंकि फोन के माध्यम से अक्सर इस तरीके से जो लेन देन है वो होते हैं और कहीं कोई डाटा डिलीट तो नहीं कर दिया गया है, उसको भी रिकवरी के लिए लैब भेज दिया जाएगा, क्योंकि फोन फिलहाल एसीबी की तरफ से जब्त कर लिए गए हैं। डॉक्टर और उसके सहायक के मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। तो फर्जी एनओसी देने का ये पूरा मामला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब मोबाइल जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। निजी हॉस्पिटल के सर्जन, डॉक्टर और असिस्टेंट से भी पूछताछ, और सर्जन और असिस्टेंट से एसीबी की टीम ने काफी देर तक पूछताछ की है और कई आने वाले दिनों में बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, अब तो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, क्या कोई रिकॉर्ड मिला है? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में फर्जी एनओसी देने का जो मामला है उसमें वापस से कल एसीबी ने 3 आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया था। उसके पहले वे 4 दिन और 3 दिन के रिमांड पर रह चुके थे। ऐसे में करीब 9 दिन का ये रिमांड अवधि जो है उनकी चल रही है। और इसी बीच कल एसीबी ने जयपुर शहर में एक निजी हॉस्पिटल के सर्जन और उसके अलावा उसके असिस्टेंट से पूछताछ की। काफी घंटे ये पूछताछ हुई है और ये बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन जो है वो जब्त कर लिए। और ये जो पूरा मामला है उसमें जो जेएलएन मार्ग पर हॉस्पिटल है उसी के जो सर्जन की भूमिका वो सामने आ रही है। तो इसी तरह से आने वाले वक्त में गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े केसों को देख करके, और इस संबंध में जल्द ही एक एफआईआर और राजधानी जयपुर की पुलिस दर्ज करेगी। जी, अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई है और पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं विष्णु? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें एक गौरव सिंह है जो कि एसएमएस हॉस्पिटल का डबल एओ है, और वही विनोद सिंह जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर है, और तीसरा आरोपी अनिल जोशी जो ईएससीसी का कोऑर्डिनेटर है। तब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
कुछ डॉक्टर्स से पूछताछ हुई है, जो कि मैं कल ही बता रहा था। और उसके अलावा बिल्कुल विष्णु, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है इसलिए लगातार इस पर नजरें भी ईसीबी की टीम के नजर आ रही है। फिलहाल विष्णु बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निकाला है। दरअसल अरविंद डामोर का इस दौरान बड़ा बयान भी सामने आया है, कहा कि अब तीर कमान से निकल गया है, मैं नामांकन वापस नहीं ले सकता। तो कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निकाला है, ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि निष्कासन के बावजूद मैदान में डामोर डटे हुए हैं, तो ये बड़ी अपडेट। और कल देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वो अंतिम दिन था नामांकन वापस लेने का, और जो है डामोर ने बड़ा बयान अब दिया है और कहा कि अब तीर कमान से निकल गया है, मैं नामांकन वापस नहीं ले सकता हूं। और कांग्रेस ने अरविंद डामोर को इसी वजह से पार्टी से निकाला है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बांसवाड़ा से अरविंद डामोर को मैदान में उतारा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कल अंतिम दिन कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया, जिसके बाद अरविंद डामोर को अपना नामांकन वापस लेना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरविंद डामोर ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सभी होता है, कहने वाला अफवाह में कुछ भी उड़ सकता है। महेंद्र मालवीय जी जो मेरे प्रतिद्वंदी है, राजकुमार मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ये दोनों ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे ही 8 घोड़े मैदान में हैं मेरे समेत, तो सभी प्रतिद्वंदी है, कहने को कुछ भी किया जा सकता है। रही बात मालवीय जी की, मालवीय साहब के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब देखिए तीर कमान से निकल चुका है, मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को बताया कि मतीरों का भरा दिया है। बताओ मैंने कि लोग अबार कांग्रेस के माय 5-7 लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष रोज कह रही हूँ, प्रदेश ऊपर रंधावा है, रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, दुपट्टा बांध और बारे नहीं काट सके, और कहीं मतीरा का बारा ही है कहीं, बताओ मन। पार्टियों में ही पार्टियों के दुश्मन बैठे हैं भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। देखिए हनुमान बेनीवाल का बयान आते ही एक्शन भी लिया गया है। कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड भी कर दिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी है तेजपाल मिर्धा, और कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया है। कांग्रेस ने नागौर के 3 नेताओं पर यह एक्शन लिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा सस्पेंड, और कांग्रेस के युवा नेता सुखराम और भवराम भी सस्पेंड हुए हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल का बयान हमने आपको सुनाया था कुछ समय पहले, और उनके बयान में साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो पार्टी में रहकर ही पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रही हैं, पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, पट्टा कांग्रेस का पहने रहते हैं लेकिन प्रचार किसी और पार्टी का करते हैं, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था। अब जैसे ही उनका ये बयान सामने आया है तो कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव के पहले चरण से पहले इस बार बीजेपी भगवा लहर के दम पर मिशन 25 को पूरा करने के लिए अभियान में जुटी है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश को रामनवमी तक भगवामय करने का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे राम आ गए हैं। इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। पहले रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अब रामनवमी की जोरदार तैयारियां। जी हाँ, चुनाव 19 अप्रैल को है, इसलिए हर घर भगवा फहराने का अभियान शुरू होने जा रहा है। यानी हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन बीजेपी और हिंदूवादी संगठन पूरे भारत में भगवा लहर पर सवार होते दिखेंगे। विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने जयपुर में ही 1,00,000 धर्म ध्वजा बांटने का ऐलान किया है। राम का भव्य मंदिर बनाए और हिंदू समाज लगातार जो 1,000 साल की गुलामी के बाद आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, और इसलिए
और इस मंदिर के बनने के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम आ रहा है और राम जन्म का अवसर आ रहा है, तो ऐसे में ये तय किया है कि पूरे जयपुर को, छोटी काशी है उसको भगवा में मना, पूरे जयपुर शहर में 1,00,000 से ज़्यादा ध्वजाएँ वितरित की जाएंगी। कल सुबह गोविंद देव जी के मंदिर में एक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात 16 तारीख तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय पर ध्वज वितरण किया जाएगा। विचार यह है इसके अंदर राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया जाए, इस प्रकार की योजना है। पूरा जयपुर शहर भगवा में हो। 22 जनवरी जैसा उत्सवी माहौल कल से फिर दस्तक देने लगेगा। राम नवमी के जरिए बीजेपी पहले ही चरण में इंडिया अलायंस पर भारी पड़ने की कोशिश करेगी। राम नवमी 17 अप्रैल को है और उसी दिन चुनाव प्रचार थमेगा, लेकिन हिंदुत्व का जोर और कार्यकर्ताओं के शोर की गूंज 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। भगवा रंग बीजेपी को ऊर्जा से लबरेज कर रहा है और उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत। जाहिर है 9 दिन तक धर्म जागरण मतदाताओं के बीच बीजेपी की व्यापक पहुंच और ज्यादा नजदीक ले जाएगा। बीजेपी अपने प्रतीक पहचान और आस्था के दम पर हुंकार भरेगी। रामलला पर बने गाने और हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति बहुसंख्यक समुदाय में उसकी पकड़ को और ज्यादा मजबूती देगी। धर्म पताका विजय पताका में तब्दील हो जाए, इसलिए हिंदू होने का एहसास कराया जाएगा। हिंदू राष्ट्रवाद के दम पर बीजेपी के संवाद और संपर्क का सिलसिला उसकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, इसीलिए घर घर धर्म ध्वजाएं पहुंचाई जा रही हैं। पूरे देश के अंदर पूरे राजस्थान में धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं आम लोगों के द्वारा भी जिस प्रकार का रामनवमी को हर बार माहौल रहता है, इस बार और अधिक जोश के साथ में रामनवमी मनने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का शिलान्यास हो चुका है और पूरे देश के लोगों की आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का जब अयोध्या में मंदिर स्थापित हो चुका है और इस समय जिस प्रकार का उनके प्रति आस्था को के लिए एक त्योहार के रूप में रामनवमी आ रहा है, इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। आम चुनाव में बीजेपी पहले ही चरण से बढ़त चाहती है ताकि विपक्ष उसकी रणनीति के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाए और उसके कार्यकर्ताओं के जोश में इजाफा होता जाए। जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़े, उसकी शुरू में पकड़ी हुई रफ्तार में बीजेपी कोई कमी नहीं आने देना चाहती। उसे मालूम है कि देश का मतदाता इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उसे वोट करने को बेताब है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की भगवा रणनीति इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगी। बीजेपी के लिए चुनाव चुनाव नहीं बल्कि किसी युद्ध से कम नहीं है और इसे जीतने के लिए बीजेपी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कल यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत से लेकर रामनवमी यानी 17 अप्रैल तक बीजेपी हर घर धर्म ध्वजाएं फहराएगी और भगवा लहर कायम करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि 19 अप्रैल को जब मतदान हो तो फिर उसकी विजय पताका सुनिश्चित हो जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, News 18 जयपुर। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन पूजन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए नवरात्रि के पहले दिन आज घट स्थापित किया जाता है और आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है पहले दिन। दरअसल आज से लोगों का 9 दिन का व्रत भी शुरू होता है। लोग अपने घरों में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लोग मंदिर में भी दर्शन पूजन कर माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिरों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख
देख सकते हैं श्रद्धालुओं की किस तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं और मां का कितना भव्य श्रृंगार किया गया है, मां के दरबार को कितने भव्य और अलौकिक तरीके से सजाया गया है, फूलों से, लाइट से जगमग ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। कोटा से इस वक्त हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिर में आप नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और किस तरीके से आज पूजा पाठ किया जा रहा है, भक्तों की कितनी भीड़ है मंदिरों में? देखिए, देवी माता की आराधना के 9 दिन की शुरुआत आज के साथ में हो गई है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है तो आज घट स्थापना होगी, मुहूर्त के साथ में ये घट स्थापना होगी। जो कोटा के सभी बड़े देवी माता के मंदिर हैं वहाँ पर आज से अगले 9 दिन तक विशेष आयोजन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो कोटा के श्रीकुलम शक्तिपीठ की है, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो आरती है वो निपटी है और फिलहाल सीधे जो तमाम इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक हैं उन्हें देवी नीलधर भवानी के हम दर्शन करवा रहे हैं। देवी नीलधर भवानी की ये प्रतिमा जिसकी खास मान्यता है श्रीकुलम शक्तिपीठ में, और फिलहाल यहाँ पर आरती हुई है, जो सुबह की आरती होती है वो आरती हुई है और इसके साथ में आज से ही घट स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। घट स्थापना के साथ में जो सभी आयोजन है वो अगले 9 दिन तक जारी रहने वाले हैं। आज से चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हो रही है, देवी माता की आराधना के 9 दिन और आज पहला दिन है ये नवरात्रा। इस बार क्या कहते हैं? श्रीकुलम शक्तिपीठ से मैं माता जी नीति अम्बा सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और सबके शुभ और मंगल की कामनाएं करती हूँ और भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि सबके यहाँ मंगल होए। ये नव संवत्सर जो चैत्र का महीना होता है, ये हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष आज से प्रारंभ होता है, तो इसको चैत्रीय नवरात्रे कहते हैं। इस नवरात्रे में आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और आज ही के दिन प्रतिपदा को भगवती दक्षायणी, जिसको सती के बाद जो राजा दक्ष के पुत्री पार्वती पैदा हुई थी, तो माता का जो दुर्गा के अलावा जो असली नाम है वो दक्षायणी है, जिनका कैलाश मानसरोवर के वहाँ पे मंदिर है, वहाँ साक्षात माँ विराजमान है। आज उनकी स्थापना करेंगे, अभी रोग और काल के चौघड़िए चल रहे हैं इसलिए हम 9:20 पर माता की स्थापना करेंगे। माता की एक मृदा की मूर्ति हम दोनों नवरात्रों में स्थापित करते हैं, तो 9:20 के बाद और दोपहर के 2 तक जो चौघड़ी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें हम स्थापना करेंगे, घटकी करेंगे और ज्वारे बोएंगे और सभी तरीके से जो माता की विधि विधान होता है। वैसे तो शक्तिपीठ में माता स्वयं विराजमान है लेकिन उनकी एक मृदा की मूर्ति हम हर साल लाते हैं दोनों नवरात्रों में और उनकी स्थापना 9 अगले 9 दिन तक किस तरह के जो आयोजन है वो होने वाले हैं, अगले 9 दिन तक देवी की किस तरह से आराधना पूजा होगी? प्रथम दिन तो आज हम घट स्थापना करके देवी शुरुआत में तो माता की स्थापना होती है और देवी पाठ चलेंगे 9 दिन 9 पाठ, प्रतिदिन देवी पाठ होंगे। उसके बाद हमारा दोपहर से 4 से लेकर 6:30 तक एक देवी भागवत के जो व्यास हैं, सुखदेव स्वरूप हैं, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनको हमने प्रयागराज से बुलाया है, वो दोनों नवरात्रि में यहाँ शक्तिपीठ में देवी भागवत करते हैं। तो 4:30 से लेके और 6:30 तक देवी भागवत होगी और प्रतिदिन माता का कीर्तन होगा और माता की प्रसादी बटेगी, अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का प्रसाद जो माता को प्रसन्नता देता है उस प्रकार से माता का उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए, देवी माता का जो उत्सव महोत्सव है वो मनाया जाएगा, अलग अलग तरह के भोग लगेंगे, भजन कीर्तन होंगे और अगले 9 दिन तक कोटा के जो अलग अलग मंदिर है वहाँ पर आपको अलग अलग जो आयोजन है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर देवी माता की आराधना के 9 दिन, नवरात्रा के 9 दिन हर जो देवी माता के भक्त हैं उनके लिए खास होते हैं। कोटा के चाहे श्रीकुलम शक्तिपीठ की तस्वीर हमने दिखाई, बिजासन माता की बात कर लें, करणी माता मंदिर की बात कर लें जो कुनाड़ी में है, ढाड़ देवी मंदिर की बात कर लें, यानी कि ये सभी देवी माता के बड़े मंदिर हैं और यहाँ पर अगले 9 दिन तक जो विशेष आयोजन है वो होने वाले हैं। विशेष
आयोजन के साथ में आज जैसा कि बताया कि 9:20 बाद में घट स्थापना का वक्त है, तो 9:20 के बाद में घट स्थापना होगी और घट स्थापना के साथ में नवरात्रा की शुरुआत हो जाएगी और अगले 9 दिन तक जो विशेष आयोजन है वो होते रहेंगे। अगले 9 दिन तक अलग अलग आयोजन देखने को मिलेंगे और फिलहाल हमने कोशिश की कि श्रीकुलम शक्तिपीठ से देवी नील दर्भ पूजा अर्चना करने के लिए। आज पहला दिन है, मंदिरों में भी भीड़ नजर आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे जो भक्तजन है पहुंच रहे और कैसे पूजा अर्चना आज की जा रही है। नवरात्र का आज पहला दिन है, पूरी तरीके से माँ का दरबार सजा हुआ है और भक्तों की कतार मंदिरों में लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू के कटरा से हो सकती है क्योंकि वहां पर भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। माता के दरबार में अर्जी लगाने के लिए हर भक्त दूर दराज से पहुंच रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सजावट बेहद ही भव्य तरीके से की गई है। आप लाइटनिंग्स देख सकते हैं, एक अलग ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह आरती जो है वो की गई है और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर भी आ रही है सुबह सवेरे, और आस्था के सैलाब जो है वो नजर आ रहा है।